गाइस, ममता की किचन में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बनाना सिखाऊंगी आपको पाव भाजी। पाव भाजी जो कि हर किसी को बेहद पसंद होती है। पाव भाजी मुझे तो बहुत पसंद है। अगर आपको पाव भाजी पसंद है तो मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, यहाँ मैंने गैस ऑन कर रखी है, हाई फ्लेम पे कुकर रख दिया है। इसमें मैं एक बड़ा टेबल स्पून ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल गरम हो गया है तो हम इसमें 1 टीस्पून जीरा डाल रहे हैं। अब इसमें हम अपनी सब्जी ऐड कर रहे हैं। यहाँ मैं गोभी डाल रही हूँ। गाजर के पीसेज ऐड कर रही हूँ। सब्जी मेरी फ्राई हो रही है, इसलिए मैं एक मेरे पास चुकंदर पड़ी हुई थी, मैं इसको भी इसमें डाल रही हूँ। बीटरूट, इसके भी मैंने टुकड़े काट लिए हैं अच्छा कलर आने के लिए, मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसी के साथ ही मैं इसमें नमक डाल रही हूँ 1 टीस्पून। इसमें मैं केज पाव भाजी मसाला डालने आ रही हूँ। एक चम्मच इसके साथ ही इसमें मैं मटर डाल रही हूँ 1 बाउल। इसके साथ ही मैं इसमें 200 ग्राम आलू के पीसेस ऐड कर रही हूँ।
दो तीन टमाटर मैंने बारीक चॉप कर लिए हैं, यही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। एक गिलास पानी डाल रही हूँ, आधा गिलास पानी और डाल रही हूँ ताकि अच्छे से सारी सब्जियाँ गल जाए। इन सबको हम ढककर इसमें एक सीटी लगाएंगे। हमारी ये सब्जी में सीटी लगेगी तो हम इतनी देर में तड़का तैयार कर लेते हैं पाव भाजी का। यहाँ मैंने कढ़ाई को गैस पर रख दिया है हाई फ्लेम पर। इसमें मैं 1 टेबल स्पून ऑयल डाल रही हूँ। देखिएगा कुकर में सीटी आ रही है। देर न लगे इसलिए मैं इसको तड़के की इसकी जल्दी से तैयारी करती हूँ। यहाँ मेरा ऑयल गर्म हो गया है, इसमें मैंने 1 चम्मच जीरा डाला है। इसमें हम बारीक कटा प्याज डाल रहे हैं, ये मैंने 1 बड़ा प्याज लिया है। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक सोते करेंगे। यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज कैप्सिकम लिए हैं, इसको ही मैंने बारीक चॉप कर लिया है। इसको ही मैं इसी के साथ फ्राई कर रही हूँ। तीन चार मिनट हो चुके हैं मुझे इसे चलाते हुए। दिखेगा प्याज और शिमला मिर्च दोनों अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। इसमें मैं थोड़ी सी लहसुन डाल रही हूँ बारीक कटी हुई, अच्छा स्वाद आने के लिए। तीन चार लहसुन की कलियों को मैंने बारीक काट लिया है।
यहाँ इसमें मैं बटर ऐड करने जा रही हूँ ताकि इसका स्वाद और बढ़ जाए। अगर इसमें हम बटर पहले ही ऐड करते तो ये जल जाता और इसका स्वाद उतना नहीं आता। अब बाद में डालने से इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। अब इसमें मैं अदरक लहसुन पेस्ट डाल रही हूँ। अच्छा कलर आने के लिए कश्मीरी मिर्च डालने से इसका कलर और बेहतर आएगा। अब यहां पर हम इसमें पाव भाजी मसाला ऐड कर रहे हैं। टू टीस्पून मेरे सारे मसाले अच्छे से भुन चुके हैं तो हम कुकर की स्टीम निकालते हैं और इसमें सब्जी ऐड करते हैं। जैसे पक चुकी हैं हम इनको ऐड करेंगे। अब मैं इस सारी सब्जियों को मसाले में ऐड करूँगी। देखिएगा कितना अच्छा कलर आया है। सारी सब्जियां गल चुकी हैं। अब इनको मेशर की सहायता से मैश करेंगे। ये मेशर की सहायता से मैं इन सब सब्जियों को मैश कर रही हूँ। दो मिनट हो चुके हैं मुझे इसे मैश करते हुए। देखिएगा ये बहुत अच्छे से मैश हो गई है। अब इसकी थिकनेस के अनुसार इसमें हम पानी ऐड करेंगे। मैं इसमें अभी एक कटोरी इसी का बचा हुआ पानी ऐड कर रही हूँ। सब्जी की थिकनेस के अनुसार आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें दो बाउल पानी ऐड करा है। पाव भाजी की भाजी ना ज़्यादा गाढ़ी होनी चाहिए ना ही ज़्यादा पतली ताकि जब हम पाव का टुकड़ा तोड़कर इसमें लगाएं तो उसकी ग्रेवी उसमें अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, नीचे गिरे नहीं और ना ही पाव सूखा सूखा लगे। नमक और ऐड कर रही हूँ, लगभग आधा चम्मच। हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर थोड़ा चटपटा स्वाद आने के लिए। बारीक कटी हरी मिर्च,
उसके हाथ लग गया, लाल पीला दिख रहा है। थोड़ा सा ही मेरे पास पनीर रखा हुआ है तो मैं इसे भी इसमें ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप चाहे इसे ऐड कर भी सकते हैं और नहीं भी, इससे स्वाद और बढ़ जाएगा। थोड़ी सी देर इसे धीमी आंच पर ऐसे ही पकने दें और फिर ये तैयार हो चुकी है। गरम मसाला डाल रही हूँ, ये लेमन लिया है मैंने हाफ, इसको भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये थोड़ी सी कसूरी मेथी है एक चम्मच, इसको ही मैं हाथ से क्रश करके इसमें ऐड करूँगी। देखिएगा तैयार हो चुकी है हमारी पाव भाजी, तो इसे हम गर्मा गर्म ही सर्व करेंगे। तो दोस्तों भाजी तो अपनी तैयार हो गई है, तो अब आ रही है पाव की। तो हम पाव सेकते हैं। पाव सेकने के लिए यहाँ मैंने बटर लिया है, पैन को गर्म कर लिया है। तो बटर मैं तवे पे ऐड कर रही हूँ और इसी में ही अपने पाव सेकेंगे। पाव हमारे अच्छे से सिक चुके हैं, तो हम इन्हें भाजी के साथ सर्व करेंगे गरम गरम। पाव भाजी मेरी बनके तैयार हो गई है, तो मैंने इसे गार्निश किया है बटर से, हरा धनिया से, और पनीर मैंने ग्रेट करके डाला है इसमें। और यहाँ मैंने पाव को सेक लिया है बटर के साथ, और यहाँ प्याज और नींबू हरी मिर्च से मैं इसको सर्व करने जा रही हूँ।